नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए। यदि आपकी किचन वास्तु के अनुसार गलत दिशा में है तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और अगर ऐसी दिक्कतें हो रही तो आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको उस दिक्कत से थोड़ा सा आपको शांति मिले। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि किसी भी व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण और विवेचन करवाना है तो निश्चित नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों के प्रश्नों का उत्तर प्रश्न कुंडली के माध्यम से दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित है, हर व्यक्ति को वास्तु का जो किचन होता है सबसे उत्तम से साउथ ईस्ट होती है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, यदि आपका किचन नॉर्थ में है, यदि आपने अपने किचन को उत्तर की दिशा में बना रखा हुआ है तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का जो किचन होता है सबसे ज्यादा दिक्कत क्या प्रदान करता है कि आपके निरंतर खर्चे, जो आपके खर्चे हैं वो निरंतर बढ़ जाते हैं। परिवार और समाज में मान सम्मान की आपकी कमी हुई मिलती है। जब भी आपका किचन नॉर्थ ईस्ट में, तो आपके परिवार में, आपके समाज में मान सम्मान में आपको कमी मिलना शुरू हो जाएगी। छोटे बच्चों का हद से ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, उनके हेल्थ में प्रॉब्लम रहेगा, एसटीडी का प्रॉब्लम रहेगा, उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जब भी नॉर्थ ईस्ट किचन होगा, जो छोटे बच्चे होंगे उनके हेल्थ और उनकी पढ़ाई करने में उनका मन कभी भी नहीं लगेगा, कहीं कहीं वो उसे दूर भागना चालू कर देंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जरूर आप अपने घर के वास्तु पर विचार करिए, अपने किचन पर विचार करिएगा। ऐसे भी दोस्तों, लेडीज जो होती हैं वो डिप्रेशन में आ जाती हैं, अक्सर उनको कमर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जो अचानक कभी उम्मीद भी नहीं की जाते, ऐसे ऐसे पेन चालू हो जाते हैं, ऐसे दिक्कतें आना चालू हो जाते हैं यदि आपका किचन नॉर्थ ईस्ट में है तो। यदि आपका किचन नॉर्थ में है तो दोस्तों नॉर्थ में अक्सर पैसों की प्रॉब्लम होने चालू हो जाती है, इनकम कितना भी हो पैसे की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। जो भी आपने धन को इकट्ठा किया हुआ था, एकत्रित किया हुआ धन भी आपका घटना चालू हो जाता है। जो भी आपने बैंक बैलेंस करके रखा हुआ था कि कुछ सही समय के लिए या शादी विवाह के लिए आए, तो ऐसे भी एकत्रित किया हुआ, किसी भी पर्पज से आपने इकट्ठित किया हुआ था, तो कहने का तात्पर्य एकत्रित धन, इकट्ठा किया हुआ धन वह आपका घटने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कर्जों में भी बढ़ोतरी होती है, आप कर्जदार बनते जाते हैं। तो इसलिए अगर आपका नॉर्थ में किचन है तो तत्काल इसको वास्तु के अनुसार ठीक करके, कुछ रेमेडीज होती है उसको करके आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। ये दोस्तों आपका किचन साउथ वेस्ट में है। जैसा कि हम आपको विदित है कि साउथ वेस्ट में जब भी किचन होता है, हेड ऑफ द फैमिली की जो तबीयत होती है वो अक्सर खराब होना चालू हो जाती है। हेड ऑफ फैमिली में लाइक आपके फादर हो गए, एल्डर सन्स हो गए, ग्रैंडफादर्स हो गए, ऐसे लोग जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं उनके स्वास्थ्य में काफी उतार चढ़ाव होना चालू हो जाता है यदि साउथ वेस्ट में किचन होता है तो। इनको अचानक से बीमारी पैदा होना चालू हो जाती है, इनके पैरों में दिक्कत आना चालू हो जाती है यदि साउथ और वेस्ट में किचन होता है तो। इसलिए विशेषकर ध्यान रखें साउथ वेस्ट में किचन है, इसी को छोटे से रेमेडी होते हैं, किसी ज्योतिष से मिलकर, किसी वास्तुशास्त्र से मिलकर इसका जो भी छोटा रेमेडी है उसको जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, वेस्ट किचन की जो दिशा होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट जो दिशा होती है कि साउथ ईस्ट होती है, साउथ ईस्ट में यदि आपका किचन है तो बहुत उत्तम है, बहुत सौहार्दपूर्ण होता है, परिवार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, परिवार के व्यक्तियों का जो भोजन होता है, जो भोजन करते हैं वो भी उनके लिए काफी स्वास्थ्यवर्धक होता है। सबसे नंबर एक की दिशा जो है वो साउथ ईस्ट है। उसके बाद दोस्तों बात करें, सेकंड जो बेस्ट दिशा है वो साउथ होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर साउथ ईस्ट में ना मिले तो साउथ में। और थर्ड बेस्ट दिशा होती है दोस्तों, उसको हमेशा मैं ईस्ट का नाम देता हूँ कि पूर्व की दिशा में आप करना चाहिए। तीन दिशा के अलावा किचन कहीं भी होता है तो कहीं कहीं उसके जो फल मिलते हैं वो अपने अनुरूप नहीं मिलते हैं, कुछ कुछ दिक्कतें पैदा कर देते हैं। दोस्तों, किचन की जो एंट्रेंस है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कई वीडियो मैंने आपको बताया, किचन का एंट्रेंस को हमेशा विशेष ध्यान रखना चाहिए, या तो नॉर्थ हो, या तो नॉर्थ ईस्ट हो, या तो ईस्ट हो, ऐसी दिशाओं में आपको किचन का एंट्रेंस रखना चाहिए। और इन सबके साथ में दोस्तों, जो भी आप रेमेडी करिए या जो भी आप ज्योतिषी कार्य करिए, उनके साथ में आपको कर्म भी विशेष ध्यान देना चाहिए। रेमेडी आपके भाग्यवर्धक होंगे, आपके कार्य में सहायक होंगे, लेकिन इसके साथ में आपको कर्म, गीता के इस शब्द को नहीं भूलना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारः के अस्ति मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए, सबको करिए, आपका जीवन मंगलमय होगा, आप दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों।